welcome back to my channel. Today in this video we both are gonna make you learn something new, and I hope you all are gonna enjoy this video. So stay tuned, and I would love to invite you to join me and Himanshi. 2000 years later. Whenever we enter the mall, we always pick up the biggest trolley to keep a lot of goods in the trolley. Himanshi has come on a shopping spree. Oh, I know, you must be thinking, what does shopping spree mean? Shopping spree का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है. In English, someone who buys a lot of things in a very short period of time, or I would say in an extravagant way. Right now, we are on a shopping spree because we are gonna buy a lot of things in a very short period of time. क्या करने आई हो? बोलो बोलो बोलो, क्या करने आई हो? बोलो. शॉपिंग. पैसे ऐसे हैं? नहीं है. इट मीन्स यू आर डूइंग विंडो शॉपिंग, राइट? यस. इसके पास पैसे ऐसे तो है नहीं, कंगाल है ये. दैट्स वाई आई एम सेइंग यू आर डूइंग विंडो शॉपिंग हियर, राइट? हाई. तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शॉपिंग, और मुझे यहाँ पे एक idiom याद आ गया जो है टॉक शॉप. टॉक शॉप का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा काम की बात करता है. मतलब अगर वो ऑफिस में कोई काम कर रहा है और वो बाहर कहीं भी कुछ भी करने जाता है, तब भी वो ऑफिस से रिलेटेड ही बातें करता है. उसके लिए हम यूज करते हैं टॉक शॉप. आई डोंट टॉक शॉप, डू यू टॉक शॉप? लेट मी नो इन द कॉमेंट बिलो. Himanshi इज शॉपोहॉलिक. शॉपोहॉलिक मीन्स अ पर्सन who enjoys shopping and spends a lot of time and money doing it, often buying things they may not need. In Hindi, खरीदारी में आनंद लेने वाला व्यक्ति, जिसे खरीदारी करने में बहुत मजा आता है. और यहाँ पर Himanshi is a shoplifter because she is shoplifting. Now you must be thinking that ये shoplifter क्या होता है. Shoplifter एक ऐसा इंसान होता है जो दुकान से सामान चुरा लेता है. A person who steals something from a shop. वो भी बिना दुकानदार को बताए और पैसे दिए. Hello guys, what is Himanshi doing? Do you have any idea? I have idea. Himanshi is shopping around. Shopping around? What does it mean? इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखता है कि इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस कितना है, और फिर जो उसे सबसे सस्ता लगता है वो लेता है. लेके जाइए बाय वन गेट वन में, और साथ ही साथ ले जाइए मेन टी शर्ट 199 वाली. आपने नोटिस किया? खरीदे तीन और ले जाए. Himanshi is still shopping around. Oh my god. 199 मार्केट. लेट्स सी. 99 रुपए का एक टी शर्ट बिल्कुल मुफ्त, और साथ ही साथ ले जाइए आज की. Himanshi, what are you doing? 199 वाली. Oh my god, you love shopping around. Actually, she loves shopping around. क्या आपको पता है जो इंसान शॉपिंग करता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? That person is called shopper. I repeat, shopper. Here, Himanshi is a shopper. क्या आपको पता है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं? इसे हम इंग्लिश में ट्रॉली या कार्ट और शॉपिंग कार्ट भी बोल सकते हैं. दीज आर फ्लिप फ्लॉप्स, बट दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर वेरी पुअर इन क्वालिटी. डोंट बाय देम, अदरवाइज दे विल ब्रेक एंड वेयर ऑफ. वी शुड बाय स्टडी फ्लिप फ्लॉप्स. These are sling or shoulder bags. This is a wristlet bag.
दिस इज अ हैंडबैग, दिस इज अ टोट बैग, दीज आर क्रॉक्स, आई रिपीट क्रॉक्स, दीज आर सैंडल्स, दिस इज अ बैकपैक. Look at here guys, you can see that how delicious, delectable, yummy, nummy, mouth watering, flavorful, flavorsome, appetizing, heavenly sweets are available here. इतनी सारी स्वीट्स देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया. I am drooling. Well, मुझे एक idiom भी याद आ गया, sweet tooth. I have a sweet tooth. Sweet tooth, that's an idiom which means to like eating things that are sugary or taste sweet. Himanshi is walking in the aisle. Aisle means एक ऐसी गली या गलियारा जो बैठने के क्षेत्रों या अलमारियों के बीच होता है.